हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं योग त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं फंजाई की और सॉरी एलगी की, और एलगी के हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे थंबनेल लगा हुआ है। हालांकि जो हम लोग का क्लासेज जो चल रही है, जो थ्योरी क्लासेज चल रही है ज्ञान गंगा ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पे तो हम लोग फंजाई कवर कर रहे हैं। फंजाई चल रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम पे फंजाई चल रहा है, ठीक है। फंजाई ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है। तो फंजाई हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एलगी के कर रहे हैं, उसके बाद में फंजाई के करेंगे, ठीक है। तो जो लोग जो है थ्योरी क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो आज ही ज्ञान गंगा ऐप डाउनलोड करके थ्योरी क्लासेज आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सभी को भैया, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जो है, और दोस्तों को सबसे पहले तो आप लोग लिंकों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। छुट्टी नहीं भैया, अरे काहे की छुट्टी। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार सभी को गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे और फिर हम लोग सेशन को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुलने जा रहा है जो कि है ये वाला। इसको देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइए। और टीजीटी 2009 के क्वेश्चन है ये। इसको देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइएगा। हाँ भैया, इसको देखिए, किस शैवाल की बात हो रही है भैया, यहाँ पे बात हो रही है शैवाल की। किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया था। विच एल्गी वाज यूज्ड बाय कैल्विन एंड हिज कोवर्कर्स इन देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जल्दी से मुझे बताइए, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, वॉलवॉक्स, आंसर इसका क्या होगा भैया। जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर करिएगा कमेंट। जी हाँ भैया, मीनाक्षी जी लाइव आ चुकी हैं, सालू जी लाइव हैं, और कौन लाइव भैया, फिलहाल हैं तो कई लोग यार, लेकिन दिख तो कमेंट में तो दो तीन लोग के कमेंट दिख रहे हैं, है। जी हाँ, मीनाक्षी जी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बता दें, जो कैल्विन साहब हैं तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लोरेला को यूज किया था। किसको यूज किया था, क्लोरेला को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया हुआ था, ठीक है। जी हाँ, निकिता जी का राइट आंसर है। और अच्छा, ट्यूशन के बच्चों का टाइम चेंज कर दिया, अच्छा चलिए ठीक है भैया, थैंक यू भैया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, निकिता जी का राइट आंसर है, और अरविंद जी का राइट आंसर है, और सालू जी का इधर आदित्य, नहीं भैया ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का है उनका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको छोड़िए, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए और इसको आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगार तथा एल्गिनिक अम्ल, अगार एंड एल्जिनिक एसिड आर प्रोटीन होता है, फाइकोकोलाइड्स होता है, यह अम्ल होता है या वसा होता है। जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, अगार और एल्जिनिक अम्ल है, अगार एंड एल्जिनिक एसिड आर, ये क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए भैया, अगार और एल्जिनिक एसिड क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। भैया आप लोगों को बता दें, एल्जिनिक अम्ल, अगार और कैराजिनेंस, ये तीनों क्या होते हैं, फाइकोकोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, फाइकोकोलाइड्स होते हैं, जो ऑप्टेन किए जाते हैं समुद्री घास से, सीवीड से क्या किए जाते हैं, ऑप्टेन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फाइकोकोलाइड्स। जी हाँ, जिन लोगों ने फाइकोकोलाइड्स बताया है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बताया, निकिता जी ने बिल्कुल सही बताया, अगार, कैराजिन और फाइकोकोलाइड्स इन रेड एल्गी, ठीक है। तो इधर जो है, मैं ये पूछ रहा था कि किससे, फाइकोकोलाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फाइकोकोलाइड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसको देखिए, एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन दी लाल शैवाल की कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, नील हरित शैवाल के कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन शैवाल के कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, हरा शैवाल के कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। तो जल्दी से मुझे बताइए, 2000
21 का क्वेश्चन है ये, 21 का, ठीक है, इसको देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइएगा। 2021 का क्वेश्चन है ये, क्या है जल्दी से मुझे बताइएगा। लैमिनेरिया सार्गासम एस्कोफिलम आदि के ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी के मेंबर होते हैं। किसके होते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, फियोफाइसी के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? फियोफाइसी के मेंबर होते हैं, ब्राउन एल्गी से ऑप्टेन किया जाता है। ठीक है भैया, जो ये होते हैं ना, तो ब्राउन एल्गी के मेंबर होते हैं ना, फियोफाइसी के मेंबर होते हैं ना, जेलिडियम और ग्रेसलेरिया, उसी से क्या किया जाता है, एल्जिनिक अम्ल ऑप्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भूरे शैवाल के कोशिका भित्ति से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही, जी हाँ निकिता जी का राइट आंसर है, और किसका सही है, ऑप्शन नंबर सी जिनका सही है, ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर सी, ये किससे ऑप्टेन किया जाता है, भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति से, कौन, एल्जिनिक अम्ल, याद रखिएगा एल्जिनिक अम्ल किससे ऑप्टेन किया जाता है, भूरे शैवाल के कोशिका भित्ति से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए रेडियर मास इज लाइकेंस शैवाल ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, तो आप लोगों को मैं अभी अभी लाइकेंस पढ़ाया नहीं है, फिलहाल लाइकेंस अभी पढ़ाऊंगा। जो रेडियर मास होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का लाइकेन होता है, क्या होता है, लाइकेन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्या है, ये एक प्रकार का लाइकेन होता है। ठीक है, जी हाँ जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे रेडियर मास के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेडियर, रेडियर है ठीक है भैया, रेडियर मास, लोबेरिया पल्मोनेरिया, लोबेरिया पल्मोनेरिया, रेमेलिना फ्लेक्सिनिया, रेमेलिनिया फ्लेक्सिनिया, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना और फार्मिलिया, फार्मिलिया, जल्दी से मुझे बताइए किसको जो है रेडियर मास के नाम से जाना जाता है, किसको हम लोग जो है रेडियर मास कहते हैं। ठीक है भैया, आप लोग बता दो भैया कि ये जो होता है जो रेंडियर मास होता है ये ट्रू मास नहीं होता। ठीक है, जो ट्रू मासेज होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है किसका, रेंडियर मास का, वो क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरा। ठीक है, क्लैडोनिया फैमिली के मेंबर होते हैं ये। ठीक है, और बाकी इसको जो है मनुष्य खाने वगैरह में, ह्यूमन वगैरह क्या करता है, मतलब इसके खाने के रूप में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ये लाइकेन। ठीक है, तो इसका क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लैडोनिया रेंजिफेरा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि रेडियर मास का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, गुड इवनिंग भैया, सविता जी लाइव आ चुकी हैं भैया। ये क्लास जो आप लोगों को वैसे होता तो 4 बजे थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिले हो गया था, लेट हो गया था, आते ही थोड़ा सा मुझे सो, आप लोग समझ रहे हैं कि प्रयागराज में थोड़ा सा ट्रैफिक लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है ना, तो मुझे दूसरे ब्रांच से आना होता है, इस वाली ब्रांच में थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता, समय लग जाता, मेरी दूसरे ब्रांच में क्लास होती है, वहां से यहां तक मुझे आने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, बाकी आप लोगों की क्लास 4 बजे से ही होती है। ठीक है, हाँ जी हाँ निकिता जी बिल्कुल सही बताई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए 2011 का क्वेश्चन है ये, रेडियर मास इज ब्रायोफाइट्स लाइकेन्स, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया भैया, रिपीट हो गया है, लाइकेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको देखिए, रेडियर मास इज सिट्रेरिया आइसलैंडिका क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, और ये भी हो गया है, ये भी मैं आप लोग बता दी हूँ कि क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरा ही है। ठीक है, इसको देखिए, निम्न में कौन एक समानता रेडियर मास कहलाता है, विच वन इज कॉमनली कॉल्ड एज रेडियर मास, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, ये भी हो चुका भैया, यही तो है, क्वेश्चन घुमा दिया है, बाकी ईयर में कई साल ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2-3 बार आप लोग देखे होंगे यही क्वेश्चन से, 2-3-4 बार 2-3 साल में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में
बहुत ज्यादा इसके चांसेस है आने के, ठीक है। तो रेडियल मास जो होता है भैया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लैंडोनिया रेंजिफेरिना है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लैंडोनिया रेंजिफेरिना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, इसको देखिए, रेडियल मास एक लाइकेन है, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कम से कम 4-5 बार तो अभी मैंने ही दिखा दिया, ठीक है। जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, देखिए क्वेश्चन घुमा, आंसर सबका सेम है बट क्वेश्चन सभी क्या है, अलग अलग है, घुमाए हुए क्वेश्चन को, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बस क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है। रेंडियर मास इज अ लाइकेन यूज्ड एज अ फूड बाय मीन, दिस बिलोंग्स टू द जीनस सेट्रेरिया, लुबेरिया, क्लैडोनिया और उशिनिया। तो आप लोगों को पता है ना, क्लैडोनिया रेंजिनिया इसका क्या है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये देखिए यही तो इसका वैज्ञानिक नाम है ना, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, क्या है, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना। तो क्लैडोनिया इसकी क्या है, स्पीसीज है, क्या है, जीनस है, और ये इसकी क्या है, स्पीसीज है, ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। तो इन्होंने जीनस पूछा हुआ है, तो जीनस इसका क्या होगा, क्लैडोनिया इसका जीनस होगा और रेंजिफेरा इसका क्या होगा, स्पीसीज होगा। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने जीनस पूछा, क्या पूछा है, जीनस। तो क्लैडोनिया इसकी क्या होगी, जीनस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल जी, नेहा जी का राइट आंसर है, हाँ क्लैडोनिया, और निकिता जी का राइट आंसर है, कविता जी का राइट आंसर है, निकिता जी का, और हाँ जी, हाँ जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा, पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माइकोराइजल मूलों से संबंध होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द माइकोराइजल रूट्स, ये शैवालों और कवकों का सहयोग संयोजक क्या होता है, सहसंयोजन होता है। आप लोग बता दो भैया कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज शनिवार है और कल भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक कल आप लोगों की क्लास जो होगी सुबह ही होगी, ठीक है, क्योंकि शाम के हमें थोड़ा सा कहीं जाना है, तो सुबह ही आप लोगों की क्लास होगी, 8 से 9 या 9 से 10 जो भी होगा शेड्यूल चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। तो 8 से 9 या 9 से 10 इसी के बीच में होगी समथिंग, हालांकि 8 से 9 मुझे लग रहा है आगे पीछे हो सकती है, हम लोग 2 क्लासेज करते हैं एक ही साथ करेंगे, 8 से 9, 9 से 10, इसमें से एक हम लोग ऑल वन डे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की करेंगे, और एक जो हम लोग करेंगे उसकी जो है जो टीजीटी पीजीटी एलटी के हम लोग की है, ठीक है। तो 2 क्लासेज हम लोग 2 क्लासेज करेंगे 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। ये माइकोराइजल मूलों से संबंध है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये शैवालों तथा कवकों का सहसंयोजन होते हैं, दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ये पायोनियर्स बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं, दे आर पायोनियर अर्लीस्ट सेटलर ऑन बैरेन रॉक्स एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली, ठीक है। ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पॉल्यूटेड एरिया, तो जल्दी से मुझे बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए 10th वाले क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, नेहा जी का, निकिता जी का, अरविंद जी का, सविता जी का, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने बताया है उनका एकदम से राइट आंसर, ये पायोनियर्स बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं, ठीक है। दे आर पायोनियर्स अर्लीस्ट सेटलर ऑन बैरन रॉक्स एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही बताया, निकिता जी का राइट आंसर है, सज्जन खान जी का राइट आंसर है, सविता जी का राइट आंसर है, अरविंद जी का, निकिता जी का, नेहा जी का, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए और इसका आप लोग आंसर बताइएगा, यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स, जल्दी से मुझे बताइए, थोड़े पायरिनॉइड्स सहित एक हरित लवक, वन क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड, अनेक पायरिनॉइड सहित एक हरित लवक, वन क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पायरिनॉइड,
अनेक हरित लवक एवं एक पायरेनॉइड, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड वन पायरेनॉइड, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से मुझे बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, आप लोग बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। भैया आप लोग को बता दें इसका राइट आंसर जो होगा, थोड़े पायरेनॉइड सहित एक हरित लवक, वन क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरेनॉइड, ठीक है। आप लोगों को बता दीजिए कि इसमें जो पायरेनॉइड्स की संख्या होती है तो दो या तीन से पायरेनॉइड की संख्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होता है किसी में दो किसी में तीन, तो पायरेनॉइड की संख्या कितनी होती है, या तो दो हो सकते हैं या तो तीन हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सिंगल ही होता है, लेकिन पायरेनॉइड क्या होते हैं, दो हो सकता है या तो तीन हो सकता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका एकदम से राइट आंसर है, अरविंद जी का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा, पायरेनॉइड्स स्पायरोगारा के किस भाग में पाए जाते हैं। पायरेनॉइड्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पायरोगारा, स्पायरोगारा के, जी हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया, पायरेनॉइड जो होते हैं स्पायरोगारा के किस भाग में पाए जाते हैं, इसको आप लोग बताइएगा। कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका भित्ति में, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट में और केंद्रक में। जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस में पाए जाते हैं पायरेनॉइड। 12th नंबर के क्वेश्चन को बताइएगा, भैया आप लोग को बता दो भैया, ये जो पायरेनॉइड होते हैं, पायरेनॉइड वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और प्रोटीन से बनी एक संरचना होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से बना बनी होती है संरचना, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्टार्च की कवरिंग पाई जाती है, जो स्टार्च का स्टोरेज करती है, स्टार्च का संग्रहण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर वो कहाँ पे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, जी हाँ क्लोरोप्लास्ट में। निकिता जी का राइट आंसर है, सविता जी का, अरविंद जी का, सज्जन खान जी का, नेहा जी का, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको बताइएगा। पायरेनॉइड्स बने होते हैं, पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ स्टार्च कोर, केंद्र जो कि प्रोटीन की शीट से आवृत होते हैं, नहीं भैया मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या कि प्रोटीन बीच में होता है और स्टार्च उसके किनारे में होता है, ठीक है। प्रोटीन का बना कोर, केंद्र, ठीक है, जो कि स्टार्च की शीथ से आवृत होता है, जी हाँ बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। प्रोटीन का कोर, केंद्र, जो कि वसी शीथ से आवृत होता है, ये गलत हो गया। न्यूक्लिक अम्ल का कोर, केंद्र, जो कि प्रोटीन से आवृत होता है, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये स्टार्च है, ये प्रोटीन है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका एकदम से राइट आंसर है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी किसका सही है, ऑप्शन नंबर बी नेहा जी का सही है, सविता जी का सही है, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, 2005 का क्वेश्चन है, पीजीटी का है ये। निम्नलिखित में, निम्नलिखित किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है, आर्चिगोनियम किसमें अनुपस्थित होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्चिगोनियम इज अब्सेंट, स्पायरोगारा, फ्यूनेरिया, एरिस और साइकस। आप लोगों को पता है कि आर्चिगोनिया जो होता है, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन एल्गी और एंजियोस्पर्म में नहीं, इसमें नहीं होता है, एल्गी और एंजियोस्पर्म में नहीं होता है, तो इन्होंने एल्गी और एंजियोस्पर्म नहीं पूछा हुआ है, जी हाँ निकिता जी इसका आंसर, जी हाँ आप सही बता रही हैं, सेंट्रल में प्रोटीन होता है, स्टार्च उसके सराउंडेड होता है, इसको बताइए आप लोग, आप लोग बता दीजिए भैया। वैसे जनरली क्वेश्चन जो देता है तो कभी कभी ऐसे दे देता है कि जो है किसमें आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे ब्रायोफाइटा दे देगा, एल्गी दे देगा, कैरिडोफाइटा दे देगा और एंजियोस्पर्म दे देगा, ठीक है, या जिम्नोस्पर्म दे देगा, ठीक है। तो आप लोग बता दूं, एल्गी और एंजियोस्पर्म में कभी भी जो है
किसका फॉर्मेशन नहीं होता, आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, आर्चिगोनियम की जगह उधर ओगोनियम पाया जाता है, किसमें, एल्गी के केस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट, अब इनमें से मुझे बताइए इनमें से एल्गी कौन है, तो आप लोगों को पता है जो स्पायरोगायरा है वो क्या है, एक प्रकार की एल्गी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म, स्पर्म है, ये सब आप जानते हैं साइकस वगैरह को, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ जी, हाँ श्रेया श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाए हैं, क्योंकि देखिए जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेज होते हैं कि जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को उधर दिखाया था कई सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग सेशन को जरूर समय समय पर शेयर करते रहा करिए दोस्तों के जो ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, ये आप लोगों का लाइक करना, सेशन को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देखिए, फ्रिस के अनुसार कारा संबंधित है वर्ग, अकॉर्डिंग टू फ्रिस कारा बिलोंग्स टू दी, ठीक है, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा से, ठीक है, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइटा और कैरोफाइसी। तो जल्दी से मुझे बताइए किससे संबंधित है भैया, आप लोगों को पता कौन से क्लास से, जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी, जल्दी से मुझे बताइए क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी, या बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, जी हाँ बिल्कुल क्लोरोफाइसी, जिन लोगों ने बताया उनका एकदम से राइट आंसर है, क्लोरोफाइसी में आप लोग जानते होंगे क्लोरोफाइसी में ही कारा को रखा गया है, और इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और साथ ही साथ जैंथोफिल कैरेटोनॉइड, ये इसका क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। बाकी इसकी सेलवाल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर होगा, अच्छा क्लासेस आप भी अटेंड करती हैं क्या, थ्योरी क्लासेस जो चलती हैं ऐप पे, जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस करती हैं क्या आप, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफाइसी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी अध्ययन है, फाइकोलॉजी के अंदर फाइको मीन्स होता है क्या भैया, एल्गी, फाइको मीन्स होता है क्या, एल्गी, और लॉजी मीन्स होती है स्टडी, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इधर देखिए, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कवक, कवक की स्टडी को तो हम लोग माइकोलॉजी बोलते, क्या बोलते भैया, माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, एल्गी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, जी हाँ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, नेहा जी का राइट आंसर है, और किसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको आप लोग बताइए, फ्रिस ने वर्गीकरण दिया, फ्रिस हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ शैवाल का, बैक्टीरिया का, कवक का, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को पता है एफी फ्रिस साहब जो थे, एफी फ्रिस साहब ने ही क्या किया था, एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था, हाँ फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज नोन एज, मतलब फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, एफी फ्रिस साहब है, जी हाँ निकिता जी ने बिल्कुल सही बताया, निकिता जी ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम से राधे राधे भैया, ठीक है राधे राधे, करुणा जी शायद लेट हो गई हैं, ठीक है, अब 17 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, उन्हीं बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नेहा जी का, अरविंद जी का, करना जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देखिए, लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है, साइफेली इन लाइकेन आर एनालॉगस टू
स्टोमेटा का, पेलिसेड टिश्यू का, मीजोफिल का और बंडल सीट का। तो जल्दी से मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से मुझे बताइएगा आप लोग। एक्चुअली भैया एक्सप्लेनेशन तो हम कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा हमको क्लास की टाइमिंग दे दीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखिए मैं यहाँ पे क्लास आपको थ्योरी क्लासेज नहीं पढ़ाने आता हूँ, थ्योरी क्लासेज में आप लोगों को ऑलरेडी थ्योरी क्लासेज में पूरा सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई है। जब एलगी मैंने पढ़ाया हुआ है तो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी के क्लासेज में पढ़ाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, वही जो तीन आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई है तो वो क्वेश्चन की क्या करवानी है, मुझे प्रैक्टिस करवानी होती है और थोड़ा सा फास्टली करवाना होता है, क्योंकि इसके बाद मुझे स्टूडियो खाली करना होता है, दूसरी क्लास होती है, ठीक है। तो इसी वजह से, टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो है मुझे देखनी पड़ती है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं एक्सप्लेन करने में, लेकिन यही है कि टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो वो थोड़ा सा फास्ट चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पे आपको हर तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो रिवीजन करके वो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब फास्टली रिवीजन करके फास्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें रिवीजन की हुई हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, और मुझे क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो ये मुझे थ्योरी भैया होती है शाम के 4 बजे होती है, ज्ञानगंगा ऑफिशियल ऐप पे थ्योरी की क्लासेस चलती है। प्रेजेंट टाइम पे हम लोग वहाँ पे फंजाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अपनी क्लासेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानगंगा ऑफिशियल ऐप पे वहाँ पे थ्योरी क्लासेस चल रही है, ठीक है। हाँ, तो थ्योरी क्लासेज में वहाँ पे क्या की जाती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देखिए थ्योरी क्लासेज में तभी देखिए यहाँ पे भैया मैंने बताया ना आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने आता हूँ, पढ़ाने नहीं आता हूँ यहाँ पे। पढ़ाने मतलब समझ रहे ना, मतलब अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो एक ही क्वेश्चन को लेकर रह जाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन कहाँ पढ़ पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चारों ऑप्शन को अगर बताऊँ तो पूरी की पूरी अलग ही खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन रहते तो पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया मैंने। पहले करता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप बहुत ज़्यादा समय जाता है, 10 क्वेश्चन होते थे, 5 क्वेश्चन होते थे एक एक घंटे में। तो बच्चे बोले सर कि प्रैक्टिस करने आते हैं, पढ़ने थोड़ा ना आते, या तो फिर आप थ्योरी की क्लास ले लिया करिए और बाद में प्रैक्टिस की क्लास ले लिया करिए। तो इसलिए फिर मैं थ्योरी की क्लासेज अपनी आप लोगों को अलग पढ़ाता हूँ, और जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस के तरीके से कराता हूँ, ठीक है। तो जो भी हो, जैसा भी आप लोगों को लगे, ठीक है। हाँ, स्नेहा जी, स्नेहा जी भैया सब लोग याद हैं, किसी को हम भूले नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पढ़िए आप लोग इसको, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जिन लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थ्योरी क्लासेज आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे मेरी बहुत सारी, और आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑफिशियल ऐप ज्ञानगंगा ऑफिशियल ऐप पे भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे थ्योरी अटेंड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने आता हूँ, और वो भी आप लोगों को समय होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर करने का। एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने में समर्थ नहीं हूँ, रीज़न यही है क्योंकि अगर मैं थ्योरी पढ़ाने लगूंगा तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है तो थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ाया नहीं है, थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है। आप लोग चाहे ज्ञानगंगा ऑफिशियल ऐप पे पढ़ लीजिएगा, चाहे आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे तो यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा, मेरे ही लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी आप लोग वहाँ से पढ़ के अपना सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने, हालांकि मैं पहले स्टार्टिंग में यही करता था, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि सर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हमारी प्रैक्टिस करवाइए, थ्योरी मत पढ़ाई, थ्योरी हम लोग आपकी, आप हमें अलग से थ्योरी पढ़ा दिया करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया करिए, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है भैया, इसका आप लोग बताइए, मुझे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइकेंस में ये मैंने बताया ना, साइफेली समानार्थी भाग होता है, कौन सा, स्टोमेटा, पैलिसेड टिश्यू का और मीजोफिल का और बंडल सीट का। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइए, आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया, आंसर दीजिए भैया, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए भैया, जो साइफेली, ये जो साइफेली जो होता है ये क्या करता है कि गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, किसका काम करता है भैया, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है ये, ठीक है। हाँ, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है, कौन,
साइफेली, ठीक है, तो साइफेली के समानार्थी है ये, इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये स्टोमेटा के समानार्थी है, क्योंकि देखिए स्टोमेटा का भी काम क्या होता है, हायर प्लांट में जितने भी स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या करता है, गैसेज को एक्सचेंज करता है, और साइफेली का भी सेम ही काम है, क्या करना, गैसेज को एक्सचेंज करना। देखिए आप लोगों को मैं सिर्फ आंसर समझा सकता हूँ, पूरा नहीं समझा सकता, पूरे चार ऑप्शन समझा पाना थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ाया नहीं, अगर थ्योरी आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, बाकी मैंने थ्योरी ज्ञान गंगा ऑफिशियल ऐप पे पूरी एकदम से बहुत तरीके से, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन लोगों से पूछिएगा, मैंने विद डिटेल एक एक चीज को मैंने बेसिक से पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एलगी पढ़ाया हुआ, आप लोग देखिएगा खुद ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, और पूरा मैंने चार्ट फ्लो के माध्यम से पढ़ाया हुआ, बहुत ज्यादा थ्योरी बहुत लेंदी नहीं मैंने पढ़ाया हुआ है, एकदम पूरा चार्ट फ्लो के माध्यम से पूरी मैंने एलगी पढ़ा रखी है, ऐसे पूरे चार्ट फ्लो के माध्यम से पूरी फंजाई पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा एकदम से चार्ट फ्लो बना बना के पूरी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह लिखवाना या छपवाना पसंद नहीं करता मैं, चार्ट फ्लो के द्वारा कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, वहीं पे थ्योरी आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग कर रहे होंगे क्लासेस, जो लोगों ने नहीं किया हुआ है वहां पे आप लोग देखिएगा, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, करुणा जी इधर आप देखिए भैया, पढ़िए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए आप लोग, आप इधर लोग, आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, आंसर करिए आप लोग, ठीक है। अमिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला सवाल है, द एलगी विच शोज फॉल्स ब्रांचिंग इज ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, टाइटोनिया और स्पायरोलिना, ठीक है। जिन लोगों को थ्योरी क्लासेस करनी भी है तो थ्योरी क्लासेस पढ़िए, उनको आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए भैया, इसका ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, साइटोनिया और स्पायरोलिना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, देखिए भैया आप लोगों को बता दूं, मिथ्या मतलब फाल्स, मतलब फाल्स जो ब्रांचिंग होती है ये किसमें पाई जाती है, साइटोनिया में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, साइटोनिया में। और साइटोनिया की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को बताऊं साइटोनिया के बारे में, तो साइटोनिया जो होती है साइनोफाइसी का मेंबर है, किसका मेंबर है भैया, साइनोफाइसी का मेंबर है, ब्लू ग्रीन एलगी का, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, फिलामेंटस एलगी होती, ठीक है। तो साइटोनिया में, साइटोनिमा में क्या होता है भैया, फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की ब्लू ग्रीन फिलामेंटस एलगी, क्या फिलामेंटस एलगी होती है, ठीक है, जिसमें क्या पाई जाती है, फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी हाँ। और नेहा जी का राइट आंसर है, और अरविंद जी का राइट आंसर है, ठीक है, नेहा जी का राइट आंसर है, अरविंद जी का राइट आंसर है, और श्रेया जी का राइट आंसर है, ठीक है, करुणा जी का राइट आंसर है, जी हाँ अरविंद जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, फिलामेंटस ब्रांच ब्लू ग्रीन एलगी होती है, ठीक है जी हाँ, श्रेया जी का राइट आंसर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया, और ये आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समय भी आप लोगों को समाप्त होने वाला है। निम्नलिखित में से किसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन इन, देखिए आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आप लोग शॉर्टकट तरीके ज्यादा जानना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें शॉर्टकट दीजिए, बाकी हमें लेक्चर ना अटेंड करने पड़े, थ्योरी ना देखनी पड़े, और शॉर्टकट मिल जाए, तो भैया ऐसा शॉर्टकट तरीका हम ही सक्सेस है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट की जगह आप लोग अगर बेहतर तरीका यही होगा कि सारी चीज़ें आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें और डिटेल में पढ़ लें, तो वो हमेशा के लिए काम देगा, केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, बार बार आप लोगों के लिए फिर उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा अगर इधर उधर से लपेटेंगे तो बार बार आप लोगों को पढ़ता रहना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने एक बार उसे सही से पढ़ लिया तो फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम आप लोगों को बहुत सारे देने होते हैं, पढ़ना सिर्फ एक बार, कोशिश क्या करिए कि एक बार पढ़ें और एग्जाम बहुत सारे दे लें, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम और सार्गासम, इसमें भैया डिप्लॉन्टिक
जीवन चक्र में डिप्लॉन्टिक टाइप का जीवन और लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से मुझे बताइएगा, वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा, ओडोगोनेमा, सार्गासम। देखिए भैया, जो सार्गासम होता है, सार्गासम में ही क्या होती है, डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक टाइप मतलब सूजन होता है। इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है इस पारोगारा की, वो क्या होती है भैया, वो डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। किस तरह की होती है? डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बताया अरविंद ने, बिल्कुल सही बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका एकदम से राइट आंसर है। करुणा जी का राइट आंसर है, सुषमा जी का राइट आंसर है, निकिता जी का और दीपनील जी का, अरविंद जी का, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने डी बताया उनका एकदम से राइट आंसर है। जी हाँ हाँ, इक्टोकार्पस और डिक्टियोटा क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका राइट आंसर है, ठीक है। तो ठीक है भैया, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय भी समाप्त होने वाला है, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग जो है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आगे हम लोग और बात करेंगे, और साथ ही साथ ऑल वन डे में सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। कल संडे है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन करके आइएगा, एलगी की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फास्टली क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं एक घंटे में 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्टली रहेगा, बाकी आप लोग सारी चीज़ें पढ़ के प्रिपेयर होकर आइएगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ऑल वन डे एग्जामिनेशन की भी 50 क्वेश्चन की हम लोग 50 अबव हो सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 1 आवर्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भाई उसमें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, और ज्ञानगंगा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा तो उसमें सारा बायोडाटा दिया हुआ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वहीं पर सारी चीज़ें आप लोगों को, बाकी वहाँ पर लेक्चर भी मिल जाएंगे, देख लीजिएगा सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो करिएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे टेक्निकल टीम का नंबर भी दिया गया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करके भी वहाँ पे सारी चीज़ जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास पर। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।